बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि मच्छर दुनिया का सबसे ख़तरनाक जानदार है और ये दावा आलमी अदारा सेहत का है, जिसकी वजह यह है कि मच्छर की बदौलत मलेरिया, डेंगी और अब मुख्तलिफ ममालिक में जिका वायरस जैसे अमराज फैल रहे हैं, जिनके नतीजे में हर साल 10 लाख से ज़ायद अमवात होती हैं। यहाँ हम ऐसे घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जो मच्छरों को आपसे दूर रहने पर मजबूर करते हैं। माल्टे के छिलके। माल्टों की तुर्श महक मच्छरों बल्कि चींटियों और मक्खियों को दूर भगाती है। कीड़ों को तुर्श महक पसंद नहीं होती। इस नुस्खे को आजमाने के लिए माल्टे के छिलकों को पीस लें और मच्छरों समेत कीड़ों से मुतासरा जगह पर छिड़क दें। अगर मच्छर काट ले तो ताज़ा माल्टे के छिलके जिल्द पर रगड़ने से जलन ख़त्म और निशान मद्धम हो जाता है। कफूर। कफूर एक आम मिलने वाली चीज़ है और मच्छरों से निजात का एक अच्छा घरेलू टोटका भी साबित होता है। कमरे के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद करें और कफूर को जलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जब आप कुछ वक्त बाद कमरे में आएं तो एक मच्छर भी वहां नहीं होगा। लहसुन। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो लोग लहसुन के पेस्ट को अपने हाथों और पैरों पर मल लेते हैं, इन्हें मच्छरों का डर नहीं रहता। इसके लिए आप लहसुन का तेल, पेट्रोलियम जेल और मोम को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लें, जो मच्छरों से तहफ़ देने वाला कुदरती नुस्खा साबित होगा। डिश वॉशिंग सोप। चंद कतरे डिश सोप को सासर में डालकर छोड़ दें, जो मच्छरों को अपनी जानब खींच कर फंसा लेंगे और आपसे दूर रखेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सोप मच्छरों को कुदरती तरीके से भी ख़त्म कर देता है। नीम का तेल। नीम के तेल को नारियल के खालस तेल में यकसा मकदार में मिलाएं और अपने जिस्म के खुले हिस्सों पर लगा दें। इस मिक्सचर की तेज़ बू मच्छरों को कम से कम 8 घंटों तक दूर रहने पर मजबूर कर देगी। पुदीना। काटने वाले कीड़ों को पुदीने की महक पसंद नहीं होती, तो आप पुदीने के पत्तों को पीस कर अपने जिल्द पर मल लें तो मच्छरों को दूर रख सकते हैं। इसी तरह अगर मच्छर काट लें तो इन पत्तों के इस्तेमाल से ख़ारिश पर भी काबू पाया जा सकता है। तुलसी। ये जड़ी बूटी मुतअद्दिद मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें से एक मच्छरों को दूर भगाना भी है। मच्छरों को तुलसी की महक पसंद नहीं होती, इसलिए हमें चाहिए कि इसके ताज़ा पत्तों को जिल्द पर रगड़ें और या इसका तेल इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मौसूल हो जाएगी।